Okay, so this was the last problem I was trying. And the time was over. Okay, all of you understand kya situation. This was, I think, 43 mein diagram diya tha humko, volume versus temperature. It was given to us. Aur bole isko dekh ke pressure versus volume ka char answer de, usme se select karo. तो मैं क्या करता हूँ, हाउ टू प्लॉट प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम सीइंग दिस पर्टिकुलर डायग्राम, विल फर्स्ट ऑफ ऑल डू दैट, विल अंडरस्टैंड वन बाय वन. सब लोग आ गए, कितने लोग आए अभी तक पार्टिसिपेंट्स? देर आर 14 ओनली. इन द मीन टाइम आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग. कुछ स्टूडेंट्स मेरे को भेजते बोले इसका सोल्यूशन भेजो, उसका सोल्यूशन भेजो. आई डोंट माइंड दैट, सोल्यूशन दूंगा मैं. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल योर ओन अटेम्प्ट शुड बी शोन टू मी. मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर देना पड़ेगा. वेदर यू नो फॉर्मूला नॉट, खाली ये आंसर दो, ये सॉल्यूशन भेजो, वो सॉल्यूशन भेजो, दैट विल नॉट बी अलाउड. शेल्डन आर यू देयर? शेल्डन आर यू देयर? यस सर. टेल मी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन? एनर्जी का फॉर्मूला बोल. माइनस एम ई रेज़ टू 4 upon 8 epsilon naught square and square at square. And what is the formula for Rydberg constant? 1 upon lambda equals to RH into 1 upon NF square minus 1 upon NI square. That is not Rydberg constant ka formula. Rydberg constant, capital R. Akele capital R ka formula kya hai? In the meantime, let the students coming. I can, kitne log aaye abhi? 18. Yeah, tell me. See, you should know what is the value of Rydberg constant, approximate value, if we are supposed to use it. 1.1 × 10⁻⁷ per meter. That is right. That is right. 1.0943 × 1.1 will do. Achha, abhi to no. This is volume versus temperature has been given. और हमको बोला इसको देख के प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम ड्रॉ करो. तो सबसे पहले मैं ए टू बी का ऑब्जर्वेशन करता हूँ. ए टू बी, ए टू बी में कैन यू सी देयर इज अ स्ट्रेट लाइन? कभी भी एक ग्राफ ऐसा है, मतलब वाई और एक्स क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स इफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स इफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. Directly proportional to A to B, I can say volume is directly proportional to temperature, and that implies pressure is constant. Alright? अभी है ना हमको A to B में plot कर रहे हैं. मुझे बताओ, tell me one thing. Can I say we are given that volume at B, हाँ, volume is proportional to temperature. And remember ये formula, PV upon T. Equal to constant. इसको ध्यान में रखो. Now P is constant means volume is proportional to temperature. All right. Now tell me, is VB greater than VA? Is VB greater than VA? क्या आप notice कर सकते हैं? देखो B ऊपर है और A नीचे है. And temperature at B is greater than temperature at A. Now हमें pressure का पता करना है. यहाँ पे एक चीज नक्की की प्रेशर कॉन्स्टेंट है. ए टू बी में प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, मीन्स लाइन विल बी लाइक दिस, लाइन विल बी लाइक दिस. ए टू बी में वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर कॉन्स्टेंट. इफ यू वांट टू प्लॉट प्रेशर, इट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन. टेम्परेचर एट बी, वॉल्यूम एट बी इज मोर देन वॉल्यूम एट ए. दैट मीन्स बी विल बी समवेयर हियर, ए विल बी समवेयर हियर, एंड दिस शुड बी द ग्राफ ऑफ ए टू बी प्रेशर में. एक बार वापस रिपीट करूं कि समझ गए हो? एक बार फिर से रिपीट, स्लोली स्लोली आई एक्सप्लेन. देखो ऑब्जर्वेशन करो, फिल्म ए टू बी, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज इंप्लाइज प्रेशर इज कॉन्स्टेंट. मतलब प्रेशर कॉन्स्टेंट के टाइम पे ग्राफ इज हैज टू बी हॉरिजॉन्टल लाइन. आइदर ए इधर है कि बी इधर है, वो खाली नोटिस कर रहे हैं हमको. कैन आई सी फ्रॉम द ग्राफ वी एट बी वॉल्यूम? देखो बी ऊपर है, बी पॉइंट ऊपर है, ए पॉइंट नीचे है, तो वॉल्यूम एट बी इज मोर देन वॉल्यूम एट ए. That means B इधर आएगा, A इधर आएगा, pressure constant है. A to B खलास. Now come from B to C.
बी2 सी में तो क्लियर दिखता है क्या कॉन्स्टेंट है, बी2 सी में कॉन्स्टेंट क्या दिया है, बी2 सी में कॉन्स्टेंट क्या दिया है, वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। यहाँ पे एक चीज रखिए कि ग्राफ हैज टू बी लाइक दिस, खाली पॉइंट से नीचे है कि ऊपर है वो दिखना है। यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, मतलब ग्राफ आइधर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, मुझे पॉइंट सी ऊपर रखना है या पॉइंट सी नीचे रखना है, खाली वही दिख रहा है हमको। ओके कौन सा कर रहा हूं मैं, बी टू सी। कैन यू से टेम्परेचर इन बी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर एट सी, इट इज गिवन कि बी इज ग्रेटर देन सी सी, वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट मींस प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कैन यू सी पी वी अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वी कॉन्स्टेंट टू पी एंड इक्वल टू के टी, एंड बिकॉज पी बी इज ग्रेटर देन टी सी देयरफॉर पी बी ऑल्सो has to be greater than PC. PB मतलब B ऊपर आएगा और C नीचे आएगा, ये B to C हो गया, ये B to C हो गया। Now come from C to A. C to A में can you see constant temperature? Constant temperature. That means it is isothermal curve. Isothermal curve, iso or see to isothermal curve is jayegi something like this, which we know already, we know isothermal is curve is like this. So ye wala diagram kahan dikha hai, ye charo isme charo answer mein, where is this diagram, a hai ki b hai ki c hai ki d hai, zara dekho, answer is a b c or d, c kya boli स्नेही गड्ढा, व्हाट आर यू सेइंग, ओ स्नेही सेजल कैन यू सी व्हाट इज द आंसर, सी द आंसर, सी इज द आंसर। एक बार फिर से रिपीट करो कि समझ गए हो, इज दिस क्लियर और यू वांट मी टू रिपीट अगेन, एक एक करके चलने का, A to B देखने का, फिर B to C देखने का, फिर C to A देखने का, यहाँ पे क्या कॉन्स्टेंट है, क्या बड़ा क्या छोटा, उसके हिसाब से अपना ये वाला ग्राफ डिसाइड करने का। यू कैन नॉट लर्न बाय हार्ट, रिमेम्बर यू कैन नॉट लर्न बाय हार्ट सच थिंग्स। एक मिनट, समझ में आया? यस सर। कैन आई प्रोसीड फर्दर, यस सर। हाँ बोल 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 करंट, यस करंट बोल, बोला प्रोसीड प्रोसीड। ओके ओके नाउ लेट अस डू 4444, वो भी सिमिलर है। मैं क्या करता हूँ इसमें, तुम लोग अपना दिमाग लगा, इसमें मैं करूंगा, लेकिन आई वांट यू टू मेक एन अटेम्प्ट। दिस इज व्हाट इज प्रेशर जो गिवन, दैट आई एम प्लॉटिंग, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम इज गिवन दिस टाइम, ए टू बी, ए टू बी में क्या कॉन्स्टेंट है खाली बताओ, बिफोर वी थिंक अबाउट हियर, इसमें कॉन्स्टेंट है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, और क्या किसका वॉल्यूम ज्यादा है किसका कम है, दैट इज राइट। ये सोचना चालू कर देने का, जैसे आप देखो ना, यू टू रियली स्टार्ट थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन, ये सी बोल रही, सी टू डी पे बहुत सोचने की वाली बात है, सी टू डी में क्या कॉन्सेंट है बताओ, सी टू वॉल्यूम, वॉल्यूम। अच्छा बी टू सी कौन सी कर्व है, बी टू सी, अच्छा अभी अभी हमने बात की थी, ऐसी कर्व रहती है, और क्या कॉन्सेंट रहता है, टेम्परेचर, दैट्स राइट। और डी टू ए में भी टेम्परेचर कॉन्सेंट रहेगा, तो ये हमको दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है, हमको बोला है प्लॉट ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, सी दिस प्लॉट ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ये हमें प्लॉट करके दुनिया को बताना है, हम लोग एक एक करके चलते हैं, पहले ए टू बी, ए टू बी में कैन यू सी वॉल्यूम एट बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम एट ए, प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, एंड जब भी प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है तो पी वी अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो प्रेशर कॉन्स्टेंट मीन्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, देयरफॉर
temperature at B has to be greater than temperature at A. Because VB is more than VA, V proportional to T, therefore TB is greater than TA. Graph has to be like this. क्योंकि प्रेशर कॉन्स्टेंट ही है, खाली ए इधर या बी इधर, टेम्परेचर किसका बड़ा है, बी का बड़ा है ए से, तो बी इधर और ए इधर, ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें ए टू बी ऐसा जा रहा है, सब में जा रहा है एक्सेप्ट सी, खाली सी को छोड़ दो, ए बी डी तीनों आंसर हमें मिल सकते हैं, ए भी राइट है, बी भी राइट है, डी भी राइट है। अभी हम लोग को खाली किसको एलिमिनेट कर पाए, हम लोग एलिमिनेट कर पाए सी को। अब हम चलते हैं बी टू सी, अब कहां चलते हैं, बी टू सी में सीधा क्या कॉन्स्टेंट लिखूं बताओ मेरे को, बी टू सी में कॉन्स्टेंट क्या लिखूं, टेम्परेचर। मैं सच बोलूं सारे ग्राफ में कैन यू सी ए बी सी डी, सब में सी कहां पे है, ऊपर है कि नीचे है, हाँ लेकिन हाँ एरो भी है, एरो भी है, तो हम लोग डिसाइड करेंगे टेम्परेचर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। Temperature constant means pressure into Boyle's law inversely proportional to volume. Tell me one thing. Can I see pressure at B upar hai aur C niche hai. Pressure at B is greater than pressure at C. All right. Pressure at B is greater than pressure at C. So B upar aur C niche. इतना सिंपल ना, टेम्परेचरली कॉन्स्टेंट बी ऊपर है, बी पॉइंट ऊपर और सी पॉइंट नीचे, प्रेशर एट डी इज दिस मच एंड प्रेशर एट सी इज दिस मच, तो प्रेशर एट डी मोर, तो प्रेशर एट बी मोर, प्रेशर एट सी लेस, इसलिए एरो इज गोइंग डाउन। ओके, अब आ जाओ सी टू डी, कहां से कहां सी टू डी, मुझे बताओ सी टू डी में क्या कॉन्स्टेंट है, सी टू डी में क्या कॉन्स्टेंट है बोलो, वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। एक बात ध्यान रखो, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के टाइम पे V इज कॉन्स्टेंट, कैसे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये देखो वापस से PV अपॉन T, इसमें वॉल्यूम अगर कॉन्स्टेंट तो P एंड T का रिलेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट मींस इट विल बी लाइक दिस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइन लाइन आई मीन। Right. अभी खाली देखना है कि किसका टेम्परेचर ज्यादा, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टी, टेल मी वन थिंग, क्या प्रेशर एट सी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट डी, ये प्रेशर एट सी ऊपर है, प्रेशर एट डी नीचे है, देयरफॉर टेम्परेचर एट सी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर एट डी, टेम्परेचर एट सी इधर है, हाँ तो ये हो ही गया, एंड दिस इज पॉइंट डी, टेम्परेचर सी टू डी, इंक्लाइन लाइन क्यों, क्योंकि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम P and T are directly proportional. Directly proportional line is always inclined. Or फिर D to A is an isothermal curve, constant temperature. D to A में T equal to constant. T equal to constant. That means graph is ये खाली ऐसे आएगा, vertical line. खाली अभी arrow ऊपर की नीचे वो दिख रहा है हमको. Arrow obviously ऊपर ही होगा क्योंकि it has to complete. Anyway, हम लोग prove भी करेंगे. Can you tell me one thing? Temperature constant means pressure is inversely proportional to volume. Can you see pressure at A is greater than pressure at B? Pressure at A is greater than pressure at B. Therefore, volume at A will be less than volume at B. Temperature. Pressure at A is greater than pressure at B. तो ये बस ऊपर और ये नीचे खत्म हो गया, प्रेशर है डी ऊपर, प्रेशर है डी नीचे, बात खाली लास्ट आयो गेट से। और ये आंसर कहां दिया है जरा देखो चारों ग्राफ में, वेयर इज दिस आंसर, वेयर इज दिस आंसर, ए, ए दैट्स द आंसर, ए इज द आंसर। यू नो यू हैव टू रियली अप्लाई योर माइंड, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू एनालाइज, क्या करूं यू, क्यों ऐसा, क्यों वैसा, ऐसे सोचते सोचते ही ग्राफ आएगा। इवन आई हैव डन लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन एक्सप्लेनिंग सच अ थिंग टू द स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑलवेज थिंक लाइक अ स्टूडेंट, देन यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। एनी डाउट प्लीज टेल मी, प्लीज आस्क मी एनी क्वेश्चन बिंदास,
Himangi, Shailendra Singh, Batul, Sahil Salvi, Karan. Understood, sir. Understood, na? Fir Snehi Gadda, Sejal, Chitija, are you there, Chitija? Oh, Chitija. Chitija hai ki nahi hai? There are 24 students. Chitija, are you there? Vedanti, Vaishnavi, Vedanti, Vaishnavi, sabko samajh aa raha hai na? Yes, sir. Chitija is not there. Aur uski behan ka naam kya hai? Chitija, and what is her sister's name? I forgot. Janita. Janita, are you there? Janita. चलो एनीवे 45 करते हैं 45 विल बी रेड बाय सेजल गोहिल सेजल जरा रीड करो 45 कंसीडर टू कंटेनर्स ए एंड बी कंटेनिंग आइडेंटिकल गैसेस एट द सेम प्रेशर वॉल्यूम एंड टेंपरेचर द गैस इन कंटेनर ए इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम आइसोथर्मली व्हाइल द गैस इन द कंटेनर बी इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू एडियाबेटिकली The ratio of final pressure of gas in B to that of the gas in A is. देखो मैं problem बताता हूँ. I'm going to ask you. दो container A और B, दोनों में identical gas रखी हुई है. Alright? उनका pressure, volume, temperature exactly same. फिर इसको दबाया. V2 becomes half of V1. इसको भी दबाया. V2 becomes half V1. इसको दबाया at isothermally. And at constant temperature, it's called adiabatically. Anybody can tell me what must have done? What is the difference between the two? What is the difference between the two? Anybody who can tell me in his own words? Isothermal dabaya, adiabatical dabaya. So, what is the difference between the two? Any one of you, unmute and speak. Sir, adiabatical mein temperature bad gaya hoga. Okay. वो राइट है दैट इज गुड थिंकिंग रैपिड प्रोसेस हाँ दैट इज द बेस्ट आंसर दैट इज द बेस्ट आंसर डाउन सडनली नीचे लाए होंगे विदाउट एनी टाइम गैप फट करके नीचे लाए और इसको धीमे धीमे करके आधा किया होगा लेकिन फाइनली प्रेशर इसका भी आता है फाइनली प्रेशर इसका भी आता है तो ये लोग बोलते हैं कि कंटेनिंग आइडियाबेटिक गैस तो हमको ये नहीं बताया कि कौन सा ये है क्या बोलते हैं आया मोनो है कि डाया है उसका फर्क क्यों नहीं पड़ता है चारों आंसर में गामा के रूप में आंसर दिया है तो नॉट टू वरी हम लोग क्या करेंगे गामा के रूप में गामा को ही पकड़ेंगे हम लोग तो ठीक है आइसोथर्मली पहले गैस ए की बात करते हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विच लॉ इज होल्डिंग ट्रू बोलो विच लॉ इज होल्डिंग ट्रू कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे कौन सा लॉ P2 into V2. V2 cancel. So P2 is 2 times P. Isme? Process A. Mein. Final pressure in container A is nothing but 2 times the initial pressure. Or adiabatic tank pe kya hoga? What formula will apply? Pehle to change karke bata. Sabko aata hoga ye formula. Adiabatic tank pe which formula? Adiabatic tank pe which formula? P2 raised to gamma into P. क्योंकि V2 raised to gamma will get cancelled. Alright. And this is P2
फॉर कंटेनर बी, और वो लोग किसका किसका पूछते हैं, ए टू बी या बी टू ए, ऑफ बी टू दैट ऑफ ए. ओके, तो प्रेशर एट टू ऑफ बी, प्रेशर एट टू ऑफ ए इक्वल टू, इसको सपोज इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन टू, इक्वेशन टू डिवाइड बाय वन, इक्वेशन टू डिवाइड बाय वन विल गिव मी व्हाट, टू रेस टू गामा पी अपॉन पी, टू रेस टू गामा इज द आंसर. दैट्स द आंसर. एक मिनट, कुछ मिस्टेक की गया मेरे, नो हाँ, टू रेस टू टू, अरे गामा माइनस वन, टू पी है ना, अरे यार, तो टू टू पी पी गेट्स कैंसिल, टू रेस टू गामा माइनस वन. ये 2p मेरे यहाँ पे 2p डाला था मैंने, सिर्फ p डाला, और इधर 2 raised to gamma p upon 2p, 2 raised to gamma minus 1 is the answer, and therefore answer is ये, answer is ये. answer is ये. अच्छा मैं बीच बीच में फॉर्मूले पूछता रहूंगा तुम लोगों को. बतूल यार, इन विच कॉलेज, केसी और जहीन, बतूल इसी, तो यू है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉलेज एग्जाम, कॉलेज एग्जाम, तो चलो इस फॉर्मूला बता जरा मेरे को, फॉर्मूला फॉर रेनॉल्ड्स नंबर बोल, फॉर्मूला फॉर रेनॉल्ड्स नंबर, डोंट सी, देखने का नहीं, आई डोंट लाइक दिस, फट करके आना चाहिए आंसर. शेल्डन, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बोल, शेल्डन. यस सर, 2/9 r² g रो एम माइनस रो एल अपॉन ईटा. ओके, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी फॉर रोलिंग बॉडी रोलिंग अराउंड एन इंक्लाइन प्लेन, 2gh अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस k² अपॉन r स्क्वायर. That is much better. Okay, tell me, what is the formula for? अच्छा thermodynamics तो नहीं है ना? Thermo नहीं है ना? But you are preparing it nicely ना? Thermo में कुछ formula है ही नहीं ज़्यादा. चलो I'll ask other formula लेकर आऊँ. हाँ, बतूल prepare करो. Okay, ये हो गया. Yes. Come to now competitive number one. Competitive number one. Competitive number one. Read by Sejal Goel. Read karo. The pressure P, volume V and temperature T for a certain gas are related by P is equal to AT minus BT square upon V, where A and B are constants. The work done by the gas when the temperature changes from T1 to T2 while the pressure remains constant is given by. Work done by gas, temperature changes from T1 to T2 while the pressure remains constant. Pressure equal to constant. This is given by what ka formula pucha hai. Bolo ekdam CET wala problem hai. You can do it very easily. Ye to CET hai. See, these are very simple all. Only JEE are tough. But how are you doing this? Yes, how to do? Any one of you? Himangi? Himangi, Tanvi, today's answer is not giving. Tanvi, are you there? Tanvi, you are not speaking. Bilkul answer nahi de rahi. Kal main kitna bola Tanvi, Tanvi, Tanvi. You are not even answering. I don't like that. मुझे अच्छा नहीं लगा था तुम आंसर नहीं दे रही थी. ओके, देखो अब मैं बताता हूं इसको कैसे करना है. वर्क डन कांस्टेंट प्रेशर, कौन सा फॉर्मूला स्ट्राइक करते हैं? वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट इज द फॉर्मूला? आइसोबारिक वर्क डन, कोई भी बोल सकता है अनम्यूट करके. पी डेल्टा वी, पी इंटू डेल्टा वी, यानी कि वी टू माइनस वी वन. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, तो वी को ऊपर ले जाएंगे, पी को नीचे ले आएंगे, तो वी विल बी इक्वल टू व्हाट,
ये क्या है, बहुत इजी है प्रॉब्लम ये, लेकिन क्या स्ट्राइक होना चाहिए, वी वन यानी टेम्परेचर इज टी वन अपॉन पी, व्हाट अबाउट वी टू, ए टी टू माइनस बी टी टू स्क्वायर अपॉन पी, ओके दिस इज सपोज इक्वेशन वन, ये टू और ये थ्री, तो सब्स्टिट्यूट टू एंड थ्री इन वन, चलो करो अभी अपने आप करो, थैंक यू विद आंसर व्हाट यू आर गेटिंग, एकदम इजी सम है यार, लुक्स डिफिकल्ट इसका डायग्राम भी, इसको देख के अभी टी वन टी टू प्रेशर कॉन्स्टेंट वर्क देन हालत खराब, बट इट इज बेस्ड ऑन दिस सिंपल आइडिया, करो इसको करो अभी सब्स्टिट्यूट टू एंड थ्री वन, फटाफट आंसर दो, यू आर रियली डूइंग वेल, अंडर रूट 5g, दैट्स वेरी बैड आंसर, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन रूट 5g यार, अरे नहीं बेटा, टेंशन एट टॉप, टेंशन एट बॉटम, दैट इज रूट ऑफ 5gr इज वेलोसिटी, नॉट टेंशन, स्टूपिड, वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट इज रूट 5gr, टॉप पॉइंट इज रूट ऑफ gr, मिड पॉइंट इज रूट ऑफ 3gr, आई एम नॉट आस्किंग वेलोसिटी, आई एम आस्किंग टेंशन, क्या कर रहे हैं, चलो क्या आंसर आएगा, सब्स्टिट्यूट करो, आर यू गेटिंग, अरे यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड टेंशन, जनरली आई डोंट लाइक दिस, मैं वेलोसिटी नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपको टेंशन, यू आर गिविंग मी आंसर ऑफ वेलोसिटी, कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन, दिस पीपी गेट्स कैंसल, तो मैं क्या करता हूं, ए इंटू टी टू माइनस टी वन प्लस बी इंटू टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर, ये आंसर है क्या, जरा देखो, प्लस बी इंटू, लेकिन ए में रॉन्ग है, ए में बी इंटू टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर है, इसलिए अपने को ढूंढना पड़ेगा दूसरा, सी जरा देखो, ये लोग माइनस बी क्या, मतलब अंदर चेंज कर दो साइन, therefore the what is the correct answer, answer is C, ये तो मैं दिखने में कितना dangerous लगता था ये problem, but actually just apply simple common sense you will get the answer, work के बाद 6, मैंने कल बोला था कि मेरे को चाहिए, किसी ने काम नहीं किया, किसी ने भी, none of you attempted this and did this, हिमांगी हिमांगी, अरे हिमांगी क्यों नहीं किया तुमने, कुछ भी नहीं, क्लासिकल का भी नहीं किया, एटलीस्ट थोड़ा तो करना चाहिए, तन्वी आपने भी नहीं किया, अरे यार तुम लोग तो करो, मैं सब क्लास में आके बोलूं, दीस पीपल हैव डन, सी नोबडी एल्स हैज डन, नोबडी इज डूइंग, शेल्डन और बतुल को तो बोलेंगे वो लोग कॉलेज एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देयरफॉर दे आर वेरी सीरियस अबाउट कॉलेज एग्जाम, उसकी बाद में मैं बराबर ठीक करूंगा कि इन लोग को कॉलेज एग्जाम के बाद में, आई डोंट लाइक दिस, तन्वी सेजल वैष्णवी पलाश क्या कर रहे हो तुम लोग, एटलीस्ट टुडे आज कौन करके भेजेगा,
क्लासिकल ऑफ थर्मो, बहुत मेहनत करके पढ़ाया है मैंने सब आपको। अरे कौन करेगा, एटलीस्ट वन स्टूडेंट। यू वॉन्ट खाली टीचर को काम करो, चुप चुपचाप काम करो, हम लोग को बोलो मत। वी आर ऑलरेडी वेरी ऑक्यूपाइड विथ लॉट ऑफ वर्क एंड आई डोंट लाइक दैट। तुम लोग काम करोगे तो मार्क्स आएगा, हमारे काम करने से मार्क्स नहीं आएगा। यू हैव टू वर्क, यू हैव टू डू मिस्टेक, देन यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। यू कैन नॉट जस्ट से सॉल्व दिस सॉल्व दैट, ये करके बताओ वो आंसर भेजो, ऐसे आई विल नॉट लाइक दैट। चलो नंबर सिक्स पढ़ो। सेजल, When an ideal monoatomic gas is heated at constant pressure, fraction of heat energy supplied which increases the internal energy of gas is? Fraction of heat supplied which increases the internal energy of the gas. Anybody can tell me fraction of heat supplied which increases internal energy? What upon what? Anyone from you? Really, it will be very interesting. Fraction of heat supplied which increases the internal energy, कौन बताएगा मुझे? What ऊपर और what नीचे? चलो, heat supplied का formula Q, और इसका formula बताओ क्या है? As per first law, what plus what? अरे बोलो ना please यार, ये easy है। Delta U plus W. वो लोग बोलते हैं fraction of heat supplied which increases internal energy, तो क्या लिखो? ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा? जैसे सपोज ये 100 है और ये 30 है और ये 70 है, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी व्हिच हैज इंक्रीज्ड इंटरनल एनर्जी? कितना परसेंट है, कितना परसेंट इंक्रीज आया उसने यूज किया हीट एनर्जी का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए? कितना परसेंट यूज किया? 30%। तो व्हाट अपॉन व्हाट यू हैव डन? यू हैव डन डेल्टा यू अपॉन क्यू इनटू 100, that means 30 upon 100 into 30 into 100, 100 into cancel, 30% is the answer. So yahan pe mujhe batao kya upar likhu kya niche likhu? Fraction of heat energy supplied to increase internal energy, kya likhu yahan pe? Upar kya niche kya? Delta U upon Q. Ha, are itna hint dene ke baad mein bhi nahi bol raha hai, don't lie. Dekho maine aapko ek formula diya tha, whatever may be the process, isothermal, isobaric, isochoric, कुछ भी increase in internal energy का एक ही formula है। What is that formula बताओ? N into what irrespective of whatever may be the process, internal energy का formula NCV delta T, NCV delta T or Q heat supplied is NCP delta T, so NN delta T delta T gets cancelled, that is equal to CV by CP. अच्छा याद करो, मोनो एटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, सीवी 3/2R, सीपी 5/2R, तो ये क्या करेंगे हम लोग? या गामा, गामा व्हाट इज गामा? इक्वल टू सीपी बाय सीवी 5/3, तो सीपी बाय सीवी 5/3, तो सीवी बाय सीपी विल बी 3/5 इनटू 100, यानी कितना? 60%, 60% है आंसर। ओ 3/5 ही आंसर, ओके नो प्रॉब्लम। फ्रैक्शन पूछा है तो परसेंटेज नहीं पूछा है, तो फ्रैक्शन में परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने बहुत बार किया है। डाया में क्या चेंज आएगा मुझे बताओ? डाया मैग्नेट, डाया एटॉमिक में इधर क्या लिखूं, इधर क्या लिखूं, इधर क्या लिखूं, इधर क्या लिखूं बताओ? That's right. ये तन्वी को बहुत अच्छा याद था, मुझे याद है ये। तन्वी वाज फटाफट आंसर देती थी मेरे को। तन्वी ने दो बार भेजा भी है ना पेपर वापस। तन्वी am I right? तन्वी? ओके। ये हो गया 6, now we go to 8. इसे मिटा रहा हूँ, मिटा दूँ? इसे मिटा दूँ? Seller, about this? Yeah, sir. Yes, sir. Okay. 8 padho. A thermodynamic system undergoes cyclic process A, B, C, D, A as shown in the figure.
the work done by the system. कुछ नहीं कर रहा है इतना डेंजरस डायग्राम बट द थिंग्स आर वेरी सिंपल. देखो ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज दोनों का एरिया एग्जैक्टली सेम. वन थिंग इज नथिंग बट एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस. लेकिन एक माइनस वर्क है और एक प्लस वर्क है एग्जैक्टली सेम आइडेंटिकल. देयरफॉर एरिया इक्वल टू जीरो. देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू जीरो बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज ये एंटी है और ये क्लॉक है. क्लॉक में मैंने बताया था क्लॉक में पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क. क्लॉक में पॉजिटिव वर्क इसमें नेगेटिव वर्क. एरिया एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट. एक पॉजिटिव एरिया एक नेगेटिव एरिया क्योंकि पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क. सो आंसर विल बी जीरो. देयरफॉर डबल. ये है ना डायग्राम देख के डर जाते हैं बच्चे लोग बोलते हैं बाप रे बाप ये ग्राफ हो आई कांट डू. उधर ही लफड़ा चालू हो जाता है. नेवर गिव अप. ग्राफ होगा तो सोचो देखो उसमें आ जाएगा आंसर आपको. इसको मिटाऊं? इसको मिटाऊं क्या? ओके नाउ कम टू नेक्स्ट विच इज वेरी इंटरेस्टिंग नंबर 9. पढ़ो जरा. फिगर बिलो शोज टू पाथ्स दैट मे बी टेकन बाय अ गैस टू गो फ्रॉम अ स्टेट ए टू अ स्टेट सी. इन प्रोसेस A, B, 400 joule of heat is added to the system and in process B, 300 joule of heat is added to the system. The heat absorbed by the system in the process A, C will be. देखो ये है डायग्राम तुम लोग भी बनाओ मैं भी बनाता हूँ. ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है. ओके पहले A to B लाइक दिस. Then from B to C लाइक दिस. And then it goes from A to C like this. Okay, ये दिया है हम लोगों को ऐसा. ये दिया है 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब और ये दिया है 4 × 10⁻³ मीटर क्यूब और ये दिया है 2 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना. और ये है 6 × 10⁴. ओके और हमको बोला है प्रोसेस एबी में 400 जूल इज एडेड. मुझे बताओ क्या लिखूं. एनीबॉडी कैन टेल मी सिंबॉलिकली. सिंबॉलिकली यहाँ पे क्या लिखूं. कैन आई राइट प्लस 400 और यहाँ पे क्या लिखूं. यहाँ पे बीटू से मैं कितना ऐड किया 100 joule plus 100 and what they are asking heat up by in the process AC. QAC equal to question mark. इसको AB कर दो और इसको BC कर दो. बहुत इंटरेस्टिंग है. कोई बताएगा मुझे एक लॉजिक. लेस देन वन मिनट आई हैविंग लेस. एक लॉजिक बताओ. एक लॉजिक. हाँ वहाँ पे बीसी में 200 आएगा ना. 200 जूल्स. एक मिनट बीसी में 2 or 4 है नीचे. देखो तो 100 दिख रहा है यहाँ पे. नीचे देखो क्या लिखा हुआ है. 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब और 4 × 10⁻³ मीटर क्यूब. यार वो तो वॉल्यूम है बेटा. हीट इज जूल. ये मीटर क्यूब इज वॉल्यूम. क्या कर रहे हैं. ओके सर बोल रहा है 100 जूल इज एडेड टू द सिस्टम. अच्छा मुझे एक हिंट कौन बताएगा. एक हिंट जो की प्रॉब्लम को आसान कर देगा. मैं हिंट दे दो. साइक्लिक प्रोसेस. Find total work. In the cyclic process, huh? Find total work. No, that is not the answer. एक बहुत important hint है.